आज मैं आप सबको गूगल क्लासरूम कैसे यूज करते हैं और उसमें होमवर्क कैसे लेते हैं, अपनी क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब मैं आज आपको बताऊंगी। इसके लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाएं, प्ले स्टोर पर सर्च में गूगल क्लासरूम डालें। ये देखिए पहले ऑप्शन में ही गूगल क्लासरूम का ऑप्शन आ रहा है, इसे टिक कर लीजिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है, आजकल लॉकडाउन 2 से अनलॉक 2 में आ रहा है और हम लोग अपनी पढ़ाई की प्रक्रिया को गूगल क्लासरूम से कैसे पूरा कर सकते हैं ये सब हम दिखाएंगे। अभी तक हमने जूम में क्लासेस ली थी जिसमें आपको लाइव क्लास का ऑप्शन था, परंतु गूगल क्लासरूम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको टीचर्स असाइनमेंट, क्वेश्चंस, मटेरियल, पीडीएफ और भी अदर तरह के क्वेश्चंस सेंड करेंगे, जिससे आप उनकी क्लास ज्वाइन कर सकेंगे और अपना होमवर्क दे सकेंगे। ये डाउनलोड हो रही है। गूगल क्लासरूम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने टीचर्स से, अपने बच्चों से कनेक्ट करने के लिए और उनकी टेस्ट और एग्ज़ाम लेने के लिए। अभी तक आपने ऑनलाइन ही पढ़ा था, परंतु गूगल क्लासरूम में अब आपको टेस्ट और एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। इसीलिए आज मैं आपको गूगल क्लासरूम किस तरह से प्रयोग करते हैं ये सब बता रही हूँ। गूगल क्लासरूम इंस्टॉल होने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। ये देखिए गूगल क्लासरूम का एक बेनिफिट ये भी है कि आप इसमें अपना होमवर्क सेंड कर सकते हैं और आगे भेज सकते हैं। ये देखिए ये डाउनलोड हो चुका है, इसे हम ओपन करेंगे तो इस तरह का कुछ फेस आएगा। अब हम इसे में स्टार्टेड मांग रहा है, गेट स्टार्टेड, स्टार्टेड करिए और आपका अपना अकाउंट, जो भी आपके फ़ोन में अकाउंट से ईमेल आईडी है उसे टच करेंगे और उससे इसे कनेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। ये देखिए ईमेल आईडी से कनेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको इस प्लस के निशान पर जाके ज्वाइन क्लास, एज ए स्टूडेंट आप क्लास ज्वाइन करेंगे और इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको इसमें क्लास कोड डालना है। क्लास कोड कहाँ से आएगा? क्लास कोड आप आपके टीचर आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी भी और मैसेज से आपको सेंड कर सकते हैं। तो हम पहले इसमें क्लास कोड डालते हैं, हम व्हाट्सएप पे जाएंगे सीधे। ये क्लास कोड है, इसे हम कॉपी कर लेंगे और फिर डायरेक्ट क्लासरूम में आएंगे और क्लास कोड यहाँ पर डालेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने ये क्लास ज्वाइन कर ली है। हमारी टीचर ने हमें ये बहुत सारे क्वेश्चंस असाइनमेंट दे रखे हैं जिसका हमें जवाब देना है। ये देखिए अगर आपने क्लास अभी भी ज्वाइन की है तो आपको पहले के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ बच्चे लेट क्लास ज्वाइन करते हैं या उनका न्यू एडमिशन होता है तो वो पहले के वर्क उनको नहीं मिल पाता, लेकिन गूगल क्लासरूम में आपको ये सुविधा उपलब्ध होगी। अब देखिए जिस तरह से हमारे टीचर ने हमें ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द पिन कोड ऑफ अलीगढ़, अब इसमें हमें आपको आंसर भेजना है मैडम को, अपने टीचर को। तो आप क्या करेंगे, 202001 इस अपना आंसर लिखेंगे और टीचर को हैंड इट कर देंगे और सबमिट कर देंगे। ये देखिए हमने अपने टीचर को अपना आंसर सबमिट कर दिया। अगर और भी बच्चे जुड़े होते तो वो भी यहाँ पर उनका आंसर भी दिखाई देता।
इसके बाद हमें दूसरा असाइनमेंट दिया है मैम ने, न्यू क्वेश्चन, राइट द अपोजिट ऑफ फ्रेंड। हमें इसमें अपने फ्रेंड का अपोजिट लिखना है, तो हम अपना आंसर लिखेंगे एनिमी। ये देखिए हमने अपना आंसर लिख दिया, सिंपल, कुछ नहीं करना, आपको कीपैड से आंसर लिख देना है और उसे हैंड इन कर देना है। ये देखिए अब आपके टीचर जब भी क्लास करेंगे या क्लास में होंगे तो वो आपको आपके वर्क को चेक करेंगे और आपको रिटर्न कर देंगे, जितने भी नंबर के लिए है ये आपको रिटर्न कर देंगे। स्ट्रीम में आप अपनी क्लास की सारी बातें देख सकती हैं कि स्ट्रीम में क्या क्या हुआ है, अभी तक क्या क्या पूछा गया है, कितने क्वेश्चंस आए हैं। क्लास वर्क में आपको क्लास का ऑप्शन मिल जाएगा, जितने भी क्लास वर्क आपको दिए गए हैं, और प्यूपिल में आपको पता पड़ जाएगा कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं। ठीक है, अगर आपको अभी भी क्लास ज्वाइन करने या उसका अपने क्लास वर्क का आंसर देने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मेरी इस वीडियो पर कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।